बहुत सारे प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैंने भी बहुत सारे चीजें ट्राई की हैं, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हुआ है। और जैसे सिस्टम में आया, 1 वीक में मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म हुआ, 15 दिन में 2.25 किलो वजन कम हुआ। जैसे 2.25 किलो वजन कम हुआ, मेरा विश्वास बढ़ा, और जैसे मेरे कोच ने मुझे गाइड किया, मैंने उसको फॉलो करते हुए, अपने खान पान को चेंज करते हुए, यहाँ के लाइफ स्टाइल को अपनाते हुए, मैंने 5 महीने में 18 kg फैट लॉस किया है। और जो फैट लॉस हुआ, आज तक उसको मेंटेन किया हूँ, 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं मुझे। और मेरे घर में एक और प्रॉब्लम थी, मैम को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम थी, उसके लिए हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, लेकिन कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिससे मेरी सेहत ठीक हुई, मैंने अपने कोच से पूछा क्या हमारी समस्या के लिए कोई समाधान है, तो मेरे कोच ने मुझे कहा कि एक अच्छा खाना है, आप इनको खिलाइएगा, हो सकता है जो कमी है वो पूरी हो जाए और आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो मेरी मैम ने भी इस न्यूट्रिशन को पूरे 1 साल तक कंटिन्यू खाया, और उनको कोई वेट चले नहीं था, वो पहले भी 52-51 के बीच में रहती थी और आज भी सेम वेट है। तो उन्होंने न्यूट्रिशन को विश्वास के साथ खाया, और अब से 6.5 साल पहले हमारी समस्या का समाधान हुआ। हमारे यहाँ ट्विंस बेबी हुए और वो प्रीमेच्योर थे, डॉक्टर ने बोला था कि इनको मैक्सिमम हॉस्पिटल रखना होगा, लेकिन मेरे विश्वास और हमारे सिस्टम के द्वारा जो एक न्यूट्रिशन है डायनोशेक, वो मैंने उनको जन्म के 1 महीने के अंदर ही शुरू कर दिया था, कंटिन्यू उनको पिलाया, आज तक पीते हैं, और किसी भी तरह के आज तक कोई चैलेंज नहीं आया। तो ये सब संभव हुआ है एक अच्छे खान पान और न्यूट्रिशन के द्वारा, क्योंकि अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप किसी चीज का समाधान नहीं कर सकते। तो वो सॉल्यूशन यहाँ पे मिला। आज मैं बात करूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, सेहत को फिट करना चाहते हैं, और वो बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, जो कि मैंने भी की है, लेकिन हम अपने चैलेंज को, जो हम चैलेंज लेते हैं कि हम अपने आप को फिट करेंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि और चीजों से क्या होगा, हम कुछ डाइटिंग कर लेंगे, भाग दौड़ के बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं और वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो मैं बताऊंगा कि वो गोल अचीव ना कर पाने के बहुत सारे कारण है, क्योंकि आज का जो लाइफ स्टाइल है बहुत खराब लाइफ स्टाइल है, हम लाइफ स्टाइल में अपने खान पान को सही से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आज मोटापा एक बीमारी का कारण बनता जा रहा है, जो आजकल बहुत ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हर आदमी अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, उसके लिए वो बहुत सारी कोशिश करता है, वजन घटाने के लिए बहुत सारी डाइटें भी अपनाता है, और साथ में बहुत सारे लोग जिम भी जाते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट लॉस नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये उनको परिणाम नहीं मिल पाता है, और कुछ मेडिकली प्रॉब्लम भी होती हैं जिनकी वजह से उनको अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। तो वजन कम ना होने के कारण, यानी हम वजन कम करना चाहते हैं, उसमें हम क्यों फेल हो जाते हैं, तो उसके मैं कुछ कारण बताऊंगा कि वो अपनी जर्नी को जो कर रहे हैं उसमें जो कमी हो रही है, तो उसी की वजह से हम रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। जैसे वजन कम ना होने के कारण है कि पूरे दिन बैठे रहना या देर तक बैठे रहना, ये वजन बढ़ने का कारण होता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका जॉब इस तरह का है या प्रोफेशन है, तो वो ज्यादातर बैठे रहते हैं और अपना जो एनर्जी है वो कहीं भी लॉस नहीं कर पा रहे हैं, और पर्याप्त मात्रा में वो अपने खाने में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। आज के समय में मैक्सिमम लोग जो फैट वाली डाइटें बहुत ज्यादा यूज करते हैं, फैट कार्ब्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और हम अपने बॉडी से वर्कआउट, यानी जो हमें ये एनर्जी ले रहे हैं उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे हमारा फैट बढ़ने के कारण है, वजन कम नहीं होगा। मीठा ज्यादा, आजकल हम मीठी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स, चाय तो एक आम बात है, दिन में कई कई चाय लोग पीते हैं, जैसे कुछ लोग बैड टी, फिर उसके बाद नाश्ते में टी, ऑफिस में टी, और शाम के समय टी, और बहुत सारे लोग आते हैं जो मिलने जुलने उनके साथ में टी, तो हमें पता ही नहीं लगता हम कितना कैलोरी इंटेक कर रहे हैं। और जैसे कि पहले लोग पानी या और चीजें यूज करते थे, दूध लस्सी ये चीजें, शरबत वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो पहले मीठा नहीं था, आज हम कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो मीठे पे यूज कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज्यादा मीठा है, जो हमारे वजन को बढ़ा देता है,
उसकी हम कभी भी काउंटिंग नहीं करते हैं, हम कितना पे ले रहे हैं, कितना मीठा यूज कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक की वजह से भी बहुत ज्यादा लोग वेट बढ़ा लेते हैं, जिनको लगता है कि हम पानी पी रहे हैं, वो पानी नहीं है, वो आपका कैलोरी बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरे है अच्छी नींद नहीं ले पाना। आज लोग स्ट्रेस भरे लाइफ को जी रहे हैं और भाग दौड़ की जिंदगी में वो टाइम से सो नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मेडिकल साइंस बोलती है कि हमें कम से कम 8 से 8 घंटे की नींद, 6 से 8 घंटे के बीच में नींद हमें लेनी चाहिए, और वो एक साउंड स्लीप, मतलब हमें एक गहरी नींद होनी चाहिए, वो हम नहीं ले पाते हैं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है आज की लाइफ में, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। दवाइयाँ, कुछ लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ जैसे बीपी है या शुगर है, थायराइड है, और बहुत सारी कहीं ना कहीं कुछ मेडिकली प्रॉब्लम होती है, तो वो दवाइयाँ का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा वजन नहीं घट पाता है। और पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीना। अगर हम अपने जरूरत के हिसाब से, जैसा कि इस सिस्टम में आके मुझे ही पता लगा, पहले ये पता नहीं था कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, तो हमें 20 किलो वजन के हिसाब से अपने वजन को कैलकुलेट करना है। 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पीना है, वो यहाँ पे आके पता लगा, अपने पानी को करेक्ट किया, ये वेट लॉस ना होने के ये भी कारण है। और कुछ मेडिकली प्रॉब्लम है, जैसे किसी को थायराइड है, एक थायराइड ग्रंथि होती है जो गले के अंदर होती है, ये हमारे हार्मोन्स का उत्पादन करती है, जो अगर ये ग्रंथि सही से काम नहीं कर रही है, हार्मोन्स कम बना रही है, तो जिससे क्या हमारा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, तो इससे हमारा क्या होगा, हार्मोन्स का उत्पादन कम होगा और इससे वजन बढ़ने लगेगा। दरअसल ये सही ना करने के कारण मेटाबॉलिज्म हमारा कमजोर, यानी अगर हार्मोन्स हमारा सही नहीं बन रहा है तो मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाएगा और बॉडी का वेट बढ़ता रहेगा, और घटाने की हम कोशिश करते हैं तो भी हम नहीं कर पाएंगे। लंबे समय तक अगर हम एक ही जगह बैठे हैं, जैसे कि ऑफिस में या अपने निजी बहुत सारे काम है, तो उनपे अगर हम बैठे हैं और अपने आप को एक्टिव नहीं कर रहे हैं, 8 घंटे या उससे ज्यादा घंटे बैठे ही हुए हैं, तो वहां पे हम अपने वजन को चाहकर भी कम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेना चाहिए और घूमना चाहिए, कि थोड़ा सा ऐसा लाइफस्टाइल अपनाए कि वो ऑफिस में हो या अपने किसी भी काम पे हो सकता है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखे, उठे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, या ज्यादा हो सकता है वो ब्रेक लेके थोड़ा सा चले टहले। और जैसे कम पानी पीना, अगर हम प्यास लगती है तो हम आज के समय में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो पानी नहीं पीते हैं, पानी सोचते हैं पानी पियेंगे तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो इस चीज का उनको एक तरह से मतलब आलस होता है। और हम क्या करते हैं, जैसे सोडा ड्रिंक्स है उनका ज्यादा पीना पसंद करते हैं, जूस ज्यादा पी रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, वजन नहीं घट पाएगा और आपका ये सॉफ्ट जो है वो वजन बढ़ाने में आपको मदद करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और इसमें शुगर का जो लेवल होता है सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत ज्यादा होता है, इसका कंटेंट में मैक्सिमम आपको मीठा ही मिलेगा, जो आपके वजन बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। और पोषक तत्व की कमी, आज हम खान पान में हमारे बहुत सारे विटामिन मिनरल की कमी है, ज्यादातर हमारे खाने में क्या है वो कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, प्लेन कार्बोहाइड्रेट होता है, मीठा, इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट। हम जैसे कि मॉर्निंग में लोग पराठे खाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट है, फैट की भी जरूरत होती है, वो भी एक स्टैंडर्ड है कि हमें अपने वेट के अनुसार हमें फैट चाहिए, और वो सिर्फ घी तेल से ही नहीं मिलता है, वो हमारे बहुत सारे जो भी हम खाना खाते हैं उन सब में तेल यानी घी की मात्रा होती है, तो वो 1 ग्राम पर kg वेट के हिसाब से हमें कैलकुलेशन चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं, और घी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो जो दूध पीते हैं वो 1 से 2 लीटर तक दूध पीते हैं, और वो कैलकुलेशन ही नहीं करते उसको कम, इसमें भी घी होगा या इसके अंदर भी फैट होगा, तो उसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं हो पाएगा, पोषक तत्व कम होगी। जैसे विटामिन सी, अगर हमारे खाने में विटामिन सी कम है, ओमेगा 3 कम है, तो उससे क्या होगा, हमारा मोटापा बढ़ता ही जाएगा, वजन घटाने का हम कोशिश करेंगे लेकिन वजन हमारा नहीं घट पाएगा। तो इसके लिए फिजिकली एक्टिव रहना भी जरूरी है, और अब
अपने इन जो विटामिन हैं इनका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरा है हमारा तनाव, अगर हम तनाव में रहते हैं तो तनाव के कारण क्या होता है, तनाव का और वजन का बहुत बड़ा संबंध है आपस में। तनाव के कारण बड़ी शरीर में क्या होता है, कार्टिसोल हार्मोन्स होता है जो बढ़ता रहेगा और उससे क्या होगा, एक हार्मोन जो है ब्लड स्तर बढ़ाता है, ब्लड शुगर स्तर को बढ़ाता है और कार्टिसोल की वजह से फैट बॉडी में बढ़ता ही जाता है और इससे हम वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो वजन कम नहीं हो पाएगा जब तक हमारा कार्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने तनाव को कम करना होगा। तनाव कम करने के लिए कि हम अपना मॉर्निंग वॉक करें और अपने आप को व्यस्त रखें, व्यस्त इस तरह नहीं रखें कि टेंशन में रहें, अपने आप को किसी ना किसी काम में लगा के रखेंगे तो वहां पे हमारा तनाव कम रहेगा। तो इन चीजों का हमें अपना अपनाना है। और साथ साथ जैसे बहुत सारे लोग तनाव के कारण हम जैसे टीवी देखते हैं या तनाव के कारण बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं तो हमें पता नहीं लगता हम कितना खाना खा गए। तो हमें अपने जब हम फूड ले रहे हैं कोई भी तो अपने ध्यान को खाने पर केंद्रित करना है, धीमे धीमे चबा चबा के खाना है। तो पोर्शन कंट्रोल फूड को हमें अपनाना है ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो हम खाना ले रहे हैं बहुत ज्यादा जाएगा तो वेट आपका बढ़ेगा। दूसरा हमें फाइबर रिच फूड लेने हैं, न्यूट्रिशन फूड तो लेनी है, शायद उसमें आपको फाइबर वाली डाइट जरूर शामिल करनी है जो आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, उसको पेट भरा भरा रहता है, आपको खाने की इच्छा कम होगी। तो ये आपको करना है और अगर हम इन चीजों को अपनाते रहेंगे और साथ साथ जैसे हम प्रॉपर नींद के साथ साथ हम अपने आप को एक्टिव रखने के लिए वर्कआउट बहुत जरूरी है। हमें पर डे आधा घंटे से लेके एक घंटे का वर्कआउट करना है और अपने खान पान में जैसे फलों को शामिल करें, अगर हमें मीठा खाने की आदत है तो हमें फल खाएं, फलों में जो मीठा होता है सुक्रालोज होता है वो आपके वजन को नहीं बढ़ने देगा, वह आपकी क्रेविंग को भी कम करेगा और वजन को नहीं बढ़ने देगा। और वर्कआउट यानी एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग के साथ साथ जॉगिंग, बहुत सारे तरह के आपको वर्कआउट हैं जो आपको जो अच्छा लगे वो अपना सकते हैं। तो अगर इन चीजों को हम करते हैं तो हम अपने आप को फिट रख पाएंगे। और साथ साथ पैदल चलना, जो आज मैक्सिमम हम लोग घर में जैसे कि घर में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं या बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी है जहां पे पैदल चलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लिफ्ट से घर में और घर से लिफ्ट में, लिफ्ट से सीधा गाड़ी में। तो हमें कोशिश करना है कि हम वॉकिंग यानी कुछ चलें, चाहे घर से ऑफिस जाने के लिए चलें या कहीं भी आप जा रहे हैं तो कोशिश करनी है कि आपको कुछ ना कुछ चलने का प्रयास करना है ताकि बॉडी एक्टिव रहे। और साथ साथ अपने खान पान को भी ध्यान रखने की जरूरत है। और ये चीजें हम कैसे पूरा कर पाएंगे, तो यहाँ पे इस सिस्टम के द्वारा आपको वो खाने के चीजें हमें क्या खाना है वो न्यूट्रिशंस आपको प्रोवाइड कराया जाता है, साथ साथ आपका जो हमारा 80% खाने का पोर्शन है वो यहाँ से पूरा किया जाता है और 20% एक्सरसाइज। यहाँ पे जैसे आपको आधा घंटा वर्कआउट करना सिखाया जाता है कि आप इस तरह करके अपने आप को फिट रख सकते हैं और अपने न्यूट्रिशन जो फूड में जरूरत है उसको आप यहाँ के द्वारा, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला वन है उसमें वो सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, मल्टी विटामिन्स हैं जो हमारे बॉडी की जरूरत है उनको पूरा करते हैं, तो तब हम अपने वेट मैनेजमेंट को सही से कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे ट्राई करने के चक्कर में हम अपना वेट कब कितना बढ़ा लेते हैं पता ही नहीं लगता है, हम अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं उनका हमें पता ही नहीं इनसे हमें क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, यानी हमारे शरीर में कितनी चीजें जानी चाहिए और कितना हम ले पा रहे हैं, तो उनकी वजह से हम अपना वेट मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग इस प्रयास को थोड़ा सा कोशिश करके देखते हैं और नहीं सफल हो पाते हैं तो वो फिर उसको छोड़ देते हैं कि भाई अब नहीं होगा, कोई नहीं देखा जाएगा, तो देखा तो कुछ नहीं जाएगा, देखना तो आपको दवाइयों को मुंह देखना पड़ेगा, हॉस्पिटलों का मुंह देखना पड़ेगा। तो अगर हम उनसे बचना चाहते हैं तो हम अपने एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाएं, अपने खान पान को सुधारें ताकि हमारा सेहत ठीक रहे और हम मेडिसिन फ्री लाइफ जी सके। और अगर हम सेहतमंद हैं तो अपने घर परिवार की भी हम ठीक से देखभाल कर सकते हैं, अपने
जिम्मेदारी को भी ठीक से निभा सकते हैं। अगर हम खुद बीमार रहेंगे, हम अनहेल्दी चीजें खा के अपने आप को बीमारियों के हवाले कर देंगे, तो हमारी जिम्मेदारी कौन पूरा करेगा? तो उसके लिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, ताकि अगर आपने कोई भी साधन या आपके पास कुछ भी चीजें हैं, आप उनका आनंद लें। जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है आज का जो समय चल रहा है कि उनके पास सब कुछ साधन है, वो आज अपने एटीट्यूड के कारण है कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास सारी चीजें हैं या मेडिकल सुविधाएं हैं, उनका हम जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे, तो वो अपने सेहत को सुधारने के लिए काम नहीं करते हैं। वो सोचते हैं जब आएगा समय आएगा देखा जाएगा, तो समय क्या आएगा, फिर जैसा डॉक्टर बोलेंगे फिर वैसा ही देखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि अपने आप को फिट रखते हुए अपनी कम्युनिटी को, अपने परिवार को हम फिट रख सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम मेडिसिन फ्री, बीमारी से फ्री अपने सेहत को जी पाए, अपने जीवन का एंजॉय कर पाए। क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं है, हम बीमारी से ग्रसित है, तो क्या होगा, दो लोग गाड़ी में बैठाने वाले होंगे, चार उतारने वाले होंगे, और फिर वही विजिट डॉक्टर की हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में जा रहे हैं, और एक बार दवाई आपके पल्ले पड़ गई तो लाइफ टाइम साथ रहेगी, लाइफ रहे ना रहे दवाई जरूर साथ रहेगी, तो उस पे अपने ध्यान करना है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, जो मुझे नॉलेज थी मैंने सीखा यहाँ से, मैंने आपको शेयर किया, हो सके आपको अच्छा लगा हो, और उसको आप अपनाएं, अपने खुद से आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ओवर टू पारी सर। वेरी गुड, बढ़िया जी, क्लैपिंग करेंगे आर के सैनी जी के लिए। रिजल्ट, टॉपिक और क्या चीजें हो सकती हैं सेहत खराब होने से, सारे जी बताई, और एक्चुअली लोगों के साथ ये हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग अपने आप को पहले स्वस्थ करें और अपने सभी लोगों को स्वस्थ करें, यही हमारा मिशन है। तो ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि वी मेक वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, और बिना हेल्थ के खुशी नहीं आ सकती। आपके पास पैसा है वो आपको खुश नहीं कर सकता, अगर अच्छी सेहत है तो आप अच्छे तरीके से खुशी मना सकते हैं और खुश रह सकते हैं जिंदगी। थैंक यू सो मच राजकुमार जी, बहुत बड़े टॉपिक। सो कल के लिए एक अनाउंसमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपको मैसेज कर दिया मैंने, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा तो मैं बता देता हूँ, कल सुबह हमारा फैमिली डे रहेगा, ये इस महीने का लास्ट संडे रहेगा, तो हर महीने के लास्ट संडे को हम फैमिली डे सेलिब्रेट करते हैं। कल की जो थीम है वो है तीज महोत्सव, जो हम तीज मनाते हैं, तो मैं जितनी भी महिलाएं यहाँ पर इस क्लब के अंदर अभी हमारे साथ में, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, जो जो तीज पे आप गीत गाते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, वो यहाँ हम ऑनलाइन करने वाले हैं, और सज धज के आना है, जब तीज पे सजते सजते हैं तो बन के आना है। पिछली बार क्या थीम थी हमारी पंजाबी, कितने लोगों ने सेलिब्रेट किया था, मजा आया था, उससे पहले हम जोकर बने थे, कभी हम स्टूडेंट बनते हैं, तो कल का हमारा जो हमारी इंडियन कल्चर है उसके हिसाब से कल तीज को मनाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, एवरीवन अपने बेस्ट आउटफिट में रहे, एंजॉय करें, गाने गाएं, डांस करें और सेलिब्रेट करें। कल का जो फैमिली डे होगा वो 8 बजे होगा, कल सुबह 6:30 बजे सेशन नहीं होगा, कल हम 8 बजे मिलने वाले हैं, लिंक आपको मिल जाएगी। आएंगे सभी लोग, एंजॉय करेंगे, फैंटास्टिक, सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे सभी लोग अपने लिए, मिलते हैं कल सुबह ठीक 6:30 बजे, नहीं 8 बजे, कितने बजे, बहुत से लोग मुझे पता ज्वाइन करेंगे 6:30 बजे, मुझे पता है मेरे पास मेल आती है, SMS आता है कि भाई बंदा ज्वाइन कर गया, बट कल हम 8 बजे ज्वाइन करेंगे, ओके? और बढ़िया सुंदर सुंदर बढ़िया से कपड़े पहन के मस्ती के मूड में, सेलिब्रेशन के मूड में मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।